हेलो दोस्तों, मैं हूं भावना चंद अपने खास दोस्त प्रवीण बैगो के साथ। और आज हम बात करेंगे कि दिल्ली में केजरीवाल ने महिलाओं की बस और मेट्रो में फ्री सेवा शुरू कर दी है, उनको कोई किराया नहीं लेना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर जहां पुरुषों को सीट भी रिजर्व नहीं होती, चाहे वो बस हो या मेट्रो, तो अब आपको क्या लगता है महिलाएं उन्हें एंट्री लेने देगी? तो चलिए जानते हैं पुरुषों से कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। दिल्ली में केजरीवाल जो है महिलाओं के लिए मेट्रो और बस का किराया जो है फ्री कर रहे हैं सेवा, तो इसमें आपको क्या लगता है कितना सही और कितना गलत? 100% गलत है ये। कैसे? फ्री की चीज़ देश के ऊपर इफेक्ट डालती है, ठीक है। उससे ही देश का अगर पैसा आता, रिन्यू आता है, तो देश का भला होता है उसमें। फ्री से हमेशा देश का नुकसान होता है और लोगों को फ्री की आदत पड़ के पहले ही लोगों की आदतें बहुत ख़राब हो चुकी है और ज़्यादा आदतें ख़राब होगी। आपको नहीं लगता ऐसा कि अगर फ्री ना करने की बजाय थोड़ा सा कम कर देते या जो पुराने फेयर थे उन्हीं को वापस ले आते? नहीं, जो फ्लैट रेट जो चल रहा है उसी को चलना चाहिए। बस देश का भला, लोगों के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य के लिए जो भी काम हो सके उस पे भी काम किया जाए, ना कि फ्री के लिए अंदर काम किया। इसमें इक्वलिटी कहाँ है? आपको फ्री क्यों दिया जा रहा है? तो हमें भी फ्री कर दो, तब तो इक्वल हुए। एक तरफ आपको हर चीज़ फ्री में दिया जाता है और हर चीज़ों की बात चले, लेडीज सीट अलग होता है, हमारे लिए जेंट्स सीट है क्या कहीं? और ऊपर से हमें उठा दिया जाता है कहीं भी बैठो तो आपने, और लेडीज़ भी बैठी रहे, हम बैठे हुए हैं साथ में, तो 16 साल की बच्ची को कोई नहीं उठाएगा, लड़की रहेगी उसे, लेकिन लड़के अगर जो बैठे हुए हैं तो उन्हें उठा दिया जाएगा। तो फिर बराबरी की बातें हो कर रही है, करनी है। आपको लगता है, आपको लगता है इंडिया में ये हो सकता है? इंडिया में जो अफोर्ड कर सकता है वो भी फ्री में चाहिए? ये इंडिया की मेंटेलिटी है, यहाँ पे हर लोग फ्री में चाहिए सबको। पैसे रहेंगे फिर भी हम क्यों खर्च करेंगे? सबकी मेंटेलिटी है। हम तो डेली ये बात बोलते हैं कि वो दिन दूर नहीं, अभी से ही लड़ना स्टार्ट कर दो, वरना एक दिन हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। आज वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, एक दिन हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा। इसको तो देखो, वैसे देखा जाए तो तरीके से अच्छा भी है लेकिन बुरा भी है। लेकिन हमारा क्या है कि हम तो भाई लड़के हैं तो पैसे तो देंगे, ऐसा नहीं है ना, कि हमको भी करना चाहिए कुछ, भले ही चाहे ना करें फ्री, लेकिन कम करना चाहिए उनको किराया। लड़कियों के लिए फ्री कर रहा है ठीक है, अगर अच्छी बातें कर रहे हैं, कुछ सोच के ही कर रहा होगा, तो मेरे समझ से तो थोड़ा बहुत ठीक है। हाँ, अच्छा, ये बात काफ़ी अच्छा वैसे निर्णय लिया है अरविंद केजरीवाल ने, बिकॉज काफ़ी वुमेंस जो थी काफ़ी, मतलब कभी कभार कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कम यूज़ कर लेती थी जैसे स्कूटीज़ में, और वुमेंस के ना ज़्यादा एक्सीडेंट के केसेस भी काफ़ी बढ़ रहे थे। तो काफ़ी अच्छा है कि मतलब ज़्यादा वुमेन ड्राइव नहीं करेंगी तो एक्सीडेंट भी कम होंगे। अच्छा, ये कहीं ना कहीं काफ़ी कहीं ना तो इन्हीं के बेसिस पर बोल रहा हूँ मैं कि कहीं ना। आपको क्या लग रहा है कि इससे ये एक्सीडेंट बचेंगे? नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेंस भी तो एक्सीडेंट करते हैं, वो ज्यादा करते हैं। आंकड़े देखे हैं? हाँ, आंकड़ों के हिसाब से बोल रहा हूं। ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दिन में कौन ठोकता है? गाड़ी कौन ठोकता है? जिनका हैंगओवर नहीं उतरता। दिन में लड़कियां ठोकती हैं। आपको क्या लगता है? बट स्टिल इक्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही इस चीज से, तो शायद डिसीजन सही नहीं है। बट इन्हें स्टूडेंट के लिए ज्यादा एक बार कर लेना चाहिए था, स्टूडेंट्स को कंसीडर करके कर लेना चाहिए। अगर ये स्टूडेंट के लिए बोलते तो वो शायद ज्यादा इफेक्टिव होता इनके लिए, बट एक स्टूडेंट तो और एक पॉलिटिकल एजेंडा 60 प्लस एंड सीनियर सिटीजंस के लिए। पर साथ ही उन्होंने ये कहा है ना कि इसमें कोई सब्सिडी वगैरह नहीं मिलेगी, जो अपनी वॉलंटियरली वॉलंटियरली कर लो। जैसे कुछ लड़कियां जो जैसा रेच है वो ज्यादा अपने आपको ये सोच रही है कि हम तो अपने पैसे खुद पे कर सकते हैं, आपको जरूरत नहीं, तो वो आपकी चॉइस है। कोई अगर नहीं पे कर पा रहा उसके लिए बेटर है, क्योंकि डीयू के कॉलेजेस भी काफी कम फीस प्रोवाइड करते हैं। कुछ लोग मतलब डेली बेसिस पे कॉलेज का रेंट वो निकल पाते खर्चा वर्चा आने जाने का, क्योंकि आजकल मेट्रो के फेयर बहुत बढ़ गए, तो उसकी वजह से ये होगा कि जो लड़कियाँ पहले फेयर मतलब नॉर्मली ट्रैवल करती थी अब वो मेट्रो यूज़ कर सके। मैं भी ये भी हो सकता है जैसे दिल्ली में रेप वगैरह ज़्यादा हो रहे हैं तो नॉर्मली कोई नहीं प्रेफर करता जाने का बस वगैरह से, तो जैसे अभी वुमेन के लिए फ्री है, मैन के लिए नहीं है, तो वुमेन प्रेफर करेगी उसमें ज़्यादा जाना। ऐसे बॉयज़ वगैरह अगर आजकल बस वगैरह में नहीं जाते तो नॉर्मली उनके लिए तो इनइक्वालिटी हुई नॉर्मली बॉयज़ के लिए। महिलाएं महिलाएं भर जाएंगी डब्बे में, उन बस में हो गया या जहाँ पे भी हो गया, और आप लोग खत्म हो जाओ। खत्म होने की बात नहीं है एक्चुअली, दामनी के केस के बाद थोड़ा ज़्यादा हो गया ऐसा, इसीलिए अगर वो केस ना होता तो शायद मैं बीएससी अपना लिया जाता। डिपेंड करता है, केजरीवाल है तो उसकी नहीं है सरकार, में भी ये उसका टास्क होगी नेक्स्ट टाइम वो आ पाए। फ्री सेवा से कुछ नहीं होता, वो कुछ दिन तक वो हाइप रहेगा केजरीवाल का, उसके बाद खत्म। केजरीवाल नो, आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ केजरीवाल। नहीं, ये चीज हो जाएगी फ्री सेवा करने से? नो, आई डोंट थिंक सो। ज्यादा तो ये फ्री में हर चीज घुसने की, जहाँ फ्री मिलता वही इंडिया भागती है, क्यों बाकी उसे कंपेयर करते हैं इंडिया को इसी चीज में? क्या कर रहे हैं वो, एक सुनहरा इंडिया खड़ा कर रहे हैं
डुबा रहे हैं ऑब्वियस ऐसी चीज में, क्या हमारा देश आगे जाएगा? आई गेस मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर रोज का ये फ्री करते हैं तो रोज को गवर्नमेंट को 6 करोड़ के आसपास का घाटा रहेगा, तो आई डोंट थिंक कि ये गवर्नमेंट के फेवर में है। हाँ, कुछ और बेनिफिट्स दो लेडीज को, आई डोंट थिंक कि ये फ्री करके आप गवर्नमेंट का फायदा कर रहे हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।